नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। बीती रात बरेठ रोड पर 5 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया, जहां घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने कहा और दुकानदारों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं गंज बसौदा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अभी हाल में कल रात में चार ताले टूटने की घटना आई है बरेठ रोड एरिया में, विदिशा जिले के बसौदा शहर में। ये अति आवश्यक है कि इसका निकाल जल्द से जल्द हो। खुशी की बात यह है कि हमें बहुत अच्छा उसमें क्लू मिला है और मैं पर्सनली जाकर सबूत की स्थिति देखकर आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है खुलासा जल्द से जल्द होगा। हाल में ही आप लोग भी मानेंगे, बैग लिफ्टिंग की बड़ी दहशत थी और उससे सनसनीपुरी क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका निराकरण एसडीपी बसौदा के मार्गदर्शन में महेंद्र शाक्य जी द्वारा और थाना बसौदा शहर की टीम द्वारा किया गया और रिकवरी भी अच्छी हुई। तो ऐसा नहीं है कि मामलों का निकाल नहीं हो रहा। डेफिनेटली कुछ हाल के दिनों में, और ये सिर्फ बसौदा की नहीं अन्य जगहों की भी समस्या है, चोरी वारदातों में हमने वृद्धि देखी है। प्रयास ये रहेगा कि इनके निकाल हम जल्द से जल्द करें और आगे ऐसी घटनाओं को रोक सकें। कि FIR की जो मशरूका था उसमें कुछ व्यापारी जन नाराज़ थे, लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा मेरे सामने नहीं आया है जिसमें FIR ना की गई हो। कुछ डिलेज प्रशासनिक होते हैं, चंद घंटों का डिले आप भी समझ सकते हैं। कई बार स्पॉट पर जाना पहले आवश्यक होता है सबूत जिससे ना मिट जाए। कई बार व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं कि तत्काल निरीक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन आज के दिन में जो मैंने सुनी है उसमें कोई भी इनऑर्डिनेट डिले, मतलब आवश्यकता से जो डिले स्वीकार योग्य ना हो, ऐसे कोई इंसिडेंट में सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी पब्लिक की इस बात को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी और SDP सब दोनों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी डिले को FIR में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासनिक और दंडात्मक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी के जो एक गिरोह के सदस्य, दो सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है, उसमें कुछ चांदी की रिकवरी भी हुई है। शेष गिरोह के नाम उजागर हो चुके हैं, तलाश जारी है। हमारे थाना प्रभारी बसौदा देहात अब उस मामले की विवेचना कर रहे हैं। तो समय समय पर उस पर रेड भी गए हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मैं आश्वासन दे सकता हूँ उस प्रकरण में भी लगातार प्रयास जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि चोरों की पकड़ भी होगी और जिस हद तक संभव हो सके रिकवरी भी होगी।